नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा वन पॉइंट ट्रीटमेंट वन डिजीज में। आज हम सीखेंगे कि किसी को साइनस की समस्या हो तो हमें कौन से पॉइंट दे सकते हैं। साइनस की समस्या के लिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इनका अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं, दिन में दो बार या तीन बार इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपकी साइनस की समस्या में फ़र्क आ जाएगा। साइनस की समस्या केवल साइनस की समस्या नहीं होती, साइनस की समस्या से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे सिर दर्द हो सकता है, आपको सिर में भारीपन हो सकता है, माथे में भारीपन आ सकता है, चेहरे में पेन हो सकता है, हाफ सिर में दर्द हो सकता है और आँखें भी कमज़ोर हो सकती हैं। और अगर लंबे समय तक आपको साइनस की समस्या है तो आपके बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। तो साइनस की समस्या केवल एक समस्या नहीं है, ये साइनस की समस्या बहुत सारी बीमारियों की जननी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि साइनस के पेशेंट को साइनस की समस्या में हम कौन कौन से पॉइंट देते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि साइनस का एरिया है कहाँ पर। तो साइनस का एरिया है, साइनस का ये जो आईब्रोज होती हैं इनके ऊपर तीन पॉइंट है, एक दो तीन। ये कैसे पता चलेगा? जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये साइनस के पॉइंट्स हैं। ये साइनस के पॉइंट ज़रूर प्रेस करने हैं और ये दिन में दो तीन बार आप कर सकते हैं अगर आपको साइनस की समस्या लग रही है तो। एक इनको क्लॉकवाइज करने आराम आराम से, ये क्लॉकवाइज करने। जिनको साइनस की समस्या रहती है उनको काफ़ी दर्द होगा इन पॉइंटों में, इनको दबाने पर उनको दर्द बहुत महसूस होगा। तो ये तीन पॉइंट आपने करने हैं पहले। तो पहला एरिया ये आईब्रो के ऊपर तीन साइनस के पॉइंट हैं। इसके बाद में ये जो एरिया है ये साइनस का पॉइंट है, यहाँ साइनस के पेशेंट को दर्द होगा। और ख़ास तौर से कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, तो यही वो हड्डी है, वही जो एरिया है जहाँ पर साइनस यानी कि आपका म्यूकस धीरे धीरे जमा हो जाता है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद में आँखों के बीचों बीच यहाँ पर ये साइनस का तीसरा पॉइंट है, इसको भी हमें प्रेस करना है, प्रेस करके क्लॉकवाइज करना है। ये क्लॉकवाइज करिए, जिनको साइनस होगा उनको यहाँ दर्द बहुत होता है। इसके बाद में ये तीन पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट नाक के बिल्कुल बीच में यहाँ पर ये जो एरिया है लिप्स अपर लिप्स के बीचों बीच, ये पॉइंट भी आपने क्लॉकवाइज करना है। और इसके बाद में लोअर लिप्स के नीचे ये चिन के ऊपर ये पॉइंट जो है ये साइनस का पॉइंट है, तो इसको भी क्लॉकवाइज ज़रूर करना है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो दर्द होगा वो इस एरिया में होता है साइनस के, तो इस एरिया में ज़्यादा क्लॉकवाइज करना है। और तीन पॉइंट हैं ये साइनस के, इन तीनों को एक साथ प्रेस करना है। तो तीनों को मिलाकर एक हमारा साइनस का पॉइंट ये, दूसरा ये एरिया, तीसरा दोनों आँखों के बीचों बीच ये एरिया, चौथा ये एरिया और पांचवा ये एरिया। तो इन एरियों को हमें जब हम क्लॉकवाइज करते हैं लगातार और दिन में दो तीन बार करेंगे तो धीरे धीरे साइनस के होल्स, जिनको हम होल्स ही बोलेंगे, कि साइनस के होल्स खुल जाते हैं। यहाँ से म्यूकस अपना प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होता है और आपके चेहरे पर नमी बनी रहती है, जिसके वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना सिर दर्द होगा, ना ही माइग्रेन की समस्या होगी, ना ही ये चेहरे पर भारीपन आएगा। तो अगर आपको किसी को भी साइनस का प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट ज़रूर प्रेस करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जिसको भी समस्या हो वो इन पॉइंट का लाभ ले सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।